सूरज yes, तुम राजीव क्लासेस के स्टूडेंट हो, स्टूडेंट थे, मतलब तुम पढ़ चुके हो तुम यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारा तुमने नीट क्रैक किया है इस बार, ठीक है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि तुमने ऐसा नीट क्रैक किया है। तुम्हारा स्टेट रैंक है, कैटेगरी रैंक है 4th, ठीक है। तो कैसा फील हो रहा है तुमको, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, मतलब सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, पेरेंट्स को, क्लासमेट्स को, टीचर्स को, फैकल्टी को, और इतने बड़े अचीवमेंट है तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि सबने बहुत हेल्प किया। और मैंने भी मतलब जैसा सर बताया, मतलब वैसे पढ़ो, मतलब जो डायरेक्शन है बोले वैसे मैंने पढ़ा, वैसे किया, तो आज सिलेक्शन हो गया तो बहुत खुशी हो रही है। तुमको CMC में मिला है जी, ठीक है। तो CMC में मिलने का मतलब अच्छा लग रहा है ना, CMC में मिला है जी, ठीक है। और राजीव क्लासेस के बारे में तुम थोड़ा सा बताओ, मतलब राजीव क्लासेस में तुमको मतलब क्या अच्छा लग रहा है राजीव क्लासेस में? एक्चुअली यहाँ पे जो आपका क्लासेस से पहले जो आपको क्या होता है ना, अगर आप क्लासेस आते हैं तो यहाँ पे DVP भी दिया जाता है सबसे पहले, जो आप पिछले दिन पढ़ाया गया उससे रिलेटेड। इससे क्या होता है कि आप जो चीज़ पढ़े हैं पिछले दिन तो आप अच्छे से मतलब रिटेन कर सकते हैं, आप टेस्ट दे दिया। अल्टीमेटली वो टेस्ट होता है 10 to 15 मिनट्स का, तो बहुत अच्छा है। और ऐसे तो बहुत जगह होता नहीं, इससे पहले मैंने ट्यूशन पढ़ा था, अगली बार तो सिलेक्शन हुआ नहीं था मेरा, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और रेगुलर हर वीक आपका 2 वीक में आपका क्लास का मतलब ये होता है टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज जैसे बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। उससे आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं वो आपको पता चल पाता है। और ऐसे सर ने बोला था अगर आप टेस्ट देते हैं और आपका टेस्ट में जैसा मार्क्स आता है तो आप देखिएगा एग्जाम में भी वैसा मार्क्स, वैसा ही मार्क्स आएगा, उससे 10 to 15 मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, तो ऐसे ही हुआ है ठीक। तो मैं सर को मतलब इसके लिए बोलना चाहूँगा कि जो आने वाले स्टूडेंट है कि अगर आपको मार्क्स इम्प्रूव करना है तो आप टेस्ट सीरीज में ही मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको बाद में जाके किसी तरह का फोबिया नहीं होगा किसी सब्जेक्ट से, ठीक ना, तो आप अच्छा कर सकते हैं एग्ज़ाम में, अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपको जब तक डाउट क्लियर नहीं हो जाता तब तक सर भी आपको जाने नहीं देते, ऐसा ये यहाँ पे है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो मैं इसके लिए बोलना चाहूँगा। राजीव क्लासेस में जो हमारे CMD हैं राजीव कुमार सिंह, ठीक है, वो तुमको क्या मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते थे, ठीक है, तो उनका जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो कैसा लगा तुमको? तो जैसे मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा इस बार मेरा केमिस्ट्री में भी शायद अच्छा मार्क्स है, बाकी बायो और आपका फिजिक्स से तो मेरा केमिस्ट्री सर ने बहुत इम्प्रूव किया, फिजिक्स से बहुत फोबिया था, अगली बार तो बहुत ही कम मार्क्स आएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में इस बार बहुत इम्प्रूव किया मैंने, ठीक ना। और ऐसे बायोलॉजी तो अल्टीमेटली सब एक स्टूडेंट का नेट स्टूडेंट का अच्छा होता ही है, तो वो एग्रीगेट जैसा मार्क्स आना चाहिए वैसा मार्क्स था, लेकिन यहाँ पे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप आते हैं तो आपको जैसे इतना डर नहीं होगा कि कुछ सब्जेक्ट से आप आइएगा बहुत चीज़ सीखिएगा, और आपका जैसे आप अगर आप किसी एग्ज़ाम में लाते हैं 250 या 300 तो सर तो गारंटी के साथ इंस्टीट्यूट नहीं घूमता है, लेकिन आपका इम्प्रूवमेंट बहुत होगा, 250 मार्क्स इम्प्रूव होगा ये तो श्योर है, क्योंकि मैंने भी किया है उतना मार्क्स इम्प्रूव, और मेरे जो फ्रेंड्स सब थे उनका ये मार्क्स बहुत इम्प्रूव हुआ है, ये मैं बोलना चाहूँगा। ठीक है, राजीव कुमार सर, सिंह सर को छोड़कर और भी हमारे बहुत सारे फैकल्टीज हैं, तो मेरे निर्मल सर हैं, प्रखर सर हैं, ठीक है, बाकी और भी फैकल्टीज हैं, तो बाकी फैकल्टीज के बारे में तुम क्या बोलना चाहते हो? फैकल्टी के लिए बोले तो निर्मल सर बहुत बेस्ट टीचर हैं, उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ाया था, और राजीव सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री सभी पढ़ाते हैं, बट स्पेशल क्लासेस के लिए मतलब अलग अलग चैप्टर होता है, जैसे केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, तो उसके लिए अलग अलग टीचर सब अरेंज करके रखे हुए हैं कि हाँ आपको जो एक्सपर्ट है वही आपको पढ़ाते हैं। और ऐसा है कि अगर आपको कोई भी टीचर से अगर आपको ये है मतलब समझ नहीं आता उनका अगर सब्जेक्ट, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे सर फीडबैक के लिए फॉर्म देते हैं, आप वो फॉर्म में आप बोल सकते हैं आपका फीडबैक क्या है, उस हिसाब से मेजोरिटी रिपोर्ट होता है, उस हिसाब से वो टीचर को आपका चेंज कर दिया जाता है, तो ये बहुत अच्छा फैकल्टी है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे ये चीज़ हुआ है तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि सबको तो समझ में आता नहीं है टीचर का पढ़ाया हुआ, तो अगर आप ऐसे करके आपको जिस टीचर का समझ में आता है तो आप वोटिंग करके या फीडबैक देकर अगर वो चेंज हो जाते हैं तो बहुत अच्छा बात है। अच्छा सूरज, हम लोग तो एग्ज़ाम्स लेते थे, ठीक है,
ठीक है, मतलब जैसे कि 15 डेज में एक होता था ना एग्जाम, तुम टेस्ट सीरीज ही ले लो, ठीक है, तो तुमको लगता है कि उस एग्जाम देने से फायदा होता है? बहुत, ऐसे तो मैंने बहुत सारे टेस्ट मिस किए हैं से बोलने को, उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि नीट में थोड़ा स्कोर खराब हुआ उसकी वजह से भी, और मैं रेगुलर नहीं था, मैं जो था जो है वो बोलना चाहूँगा, तो मैं आने वाले स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि सर जैसा बोलते वैसा करो, वैसा मैंने नहीं किया बोल के थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, लेकिन आप जो सर बोलते हो उस पर आप स्टिक रहते हो तो आपको डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, ये बोलना चाहिए। सूरज, अगर तुमको कोई मिल जाता है, कोई पूछता है राजीव क्लासेस के बारे में कि मैं क्या करूँ, आप मैं ज्वाइन करूँगी नहीं, क्या बोलोगे? ऑफकोर्स मैं बोलूँगा ज्वाइन कीजिए, मतलब आप देख ही सकते हैं जैसे यहाँ पे बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होता है, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं बोलता है कि सिलेक्शन हुआ है, तो आप देख सकते हैं, आप रिजल्ट देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का आप अचीवमेंट सब देख सकते हैं, आप उससे आप आके देखिए, आप तो आपको डेमो क्लास भी यहाँ मिलता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, डेमो क्लास करिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट डे जब मैं आया था मुझे यहाँ केमिस्ट्री का डेमो क्लास मिला था, जैसे मैंने केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक थी, उस सर को मैंने बोला कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, उस सर ने पढ़ाया तो बहुत अच्छा लगा, तो ये यहाँ पे ये जो चीज़ है बहुत अच्छा है, सिस्टम भी बहुत अच्छा है, आपको डेमो क्लास मिलते हैं। ठीक है सूरज, थैंक यू सो मच, ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हेलो मैम, आप सूरज की मम्मी हैं, ठीक है, तो सूरज ने इस साल नीट क्रैक कर लिया है, ठीक है, राजीव क्लासेस में पढ़ चुका है, तो कैसा लग रहा है मैम आपको? वैसे फोर्थ रैंक है उसका कैटेगरी रैंक, और CMC में मिला है उसे, कैसा फील हो रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैं कहूँगी जो हमारे सब बच्चे हैं वो मेरी तरह, मैं तो गरीब हूँ, फिर बच्चा मेरा पढ़ा अच्छा, पढ़ के अच्छा नंबर से पास कर, मेरे को अच्छा लगा, मन में बहुत खुशी हुई, प्लस वो होता भी था यहाँ पे जो है तो उसका लक अच्छा रहा, आगे आकाश में पढ़ा था, आकाश में पहले पढ़ चुका है, नहीं पढ़ा नहीं था, मतलब मैसेज टेस्ट वगैरह देता था, अच्छा टेस्ट देता था, खुश हो गई तो राजीव क्लासेस के बारे में क्या मैम आपको पहले से पता था जब आपने इसको इनरोल करवाया है, आपने मतलब आपको कैसे पता चला राजीव क्लासेस के बारे में? नहीं, मैं सूरज ने ही देखा, अच्छा अच्छा मैं देखे सूरज, फिर मेरे ऑफिस में थे एक जन, वो बोले जो नापति जी अच्छा पढ़ाई होता है, तो उनका बात पर विश्वास करके हमने बोला ठीक है जाओ, अपने आप ही आए थे। कब सेटिस्फाइड है राजीव क्लासेस? अच्छा लगा, मैं सोचती हूँ यहाँ पे जितने बच्चे पढ़ते हैं सबके पेरेंट्स मेरे तरह ही खुश हूँ, उसके फादर नहीं है, लेकिन इसको जो बहुत है तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल मैम, ठीक है मैम, मतलब हम लोग तो बहुत ही खुश हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से सूरज निकला है, ठीक है, तो ये ज़रूर आगे जाएगा, एक बड़ा डॉक्टर बनेगा, ठीक है, आशीर्वाद बस अच्छा हो, पर भगवान ने देखा जी हाँ तो गरीब का बच्चा पढ़ के पास हूँ, मैं ये कामना करूँगी, कोशिश करेगा तो क्यों नहीं होगा सर मैम, वैसे मतलब ये हार्ड वर्क करता था, घर पे जाकर पढ़ता था राजीव क्लासेस के बाद? पढ़ता, अच्छा हाँ तो ठीक है, जब मिस करता था तो फिर बोलती से कभी मेरी तकलीफ हो गया, शरीर बुखार उखार हो गया, क्लास मिस होने से आप कुछ नहीं करता था, क्योंकि क्लास में तो हम लोग के यहाँ पे जैसे कि बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव क्लासेस होते थे, तो उसी में बहुत स्टूडेंट्स मतलब समझ आते हैं इंटरैक्टिव क्लासेस में, ठीक है, तो जितना हाँ इसने भी हार्डवर्क किया है मैम, तो इसीलिए फिर इसका पढ़ता था इसको, फिर नहीं गया कॉलेज, जिस दिन यहाँ नहीं आता था शरीर खराब होने के चलते मैं फिर पूरा रात पढ़ता था, फिर टेस्ट वगैरह होता था तो मैम टेस्ट कोई ठीक नहीं रहता था खाने पीने का, इसको खाना भी खाएगा नहीं खाएगा, पढ़ने का हर लोग तो दिया है, नहीं मेरा बच्चा से बोल रही हूँ हर लोग दिया है, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच।